ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है कि एक ना परफेक्टली स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप है, हैज अ मास एम एंड लेंथ एल। कोई ना रस्सी का हिस्सा है, टुकड़ा है, जिसका मास एम है और लेंथ एल है। एट द एंड ए ऑफ द सेगमेंट, मतलब इसका डायग्राम साथ साथ बनाना, ये वो रस्सी का पीस है और ये एंड पॉइंट है ए। द टेंशन इन द रोप इज टी ए, तो यहाँ टेंशन बना लो, यहाँ पे टेंशन टी है, डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम बनाओ। एंड एंड बी पे टेंशन इज टी बी, एक टी ए और एक टी बी। टी बी ग्रेटर देन टी ए, तो ये बॉडी कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम बनाना है। टी ए टी बी, टी बी ग्रेटर देन टी ए, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट। ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है ए और बी पे, ए और बी ओपन है, फोर्सेस लग रही हैं। आपको बताना है टेंशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये एल लेंथ और मास इसका टोटल एम है, आपको टेंशन निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय फाइव फ्रॉम एंड ए। तो यहाँ पे टेंशन निकालनी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ए एंड से एल बाय फाइव दूरी पे टेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ना इस क्वेश्चन को फ्री बॉडी डायग्राम से करें, ये आपने किया हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको निकालनी आती हैं। बस मेरे को एक चीज़ इसमें ये बतानी है आपको कि सपोज करो ये वो डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम में एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इसकी वैल्यू टी ए है, इसकी वैल्यू टी बी है, और मैंने बोला टी बी ग्रेटर देन टी ए, तो ये यहाँ जा रही है, और ये डिस्टेंस कितना है, एल बाय फाइव, और ये कितना है, फोर एल बाई फाइव, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, एल। तो बस मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे निकलेगी, ये देखो, तो मान लो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम है टी सी, टी सी, आपको टी सी निकालना है। बस आप मुझे ये बता दो इस ब्लॉक का मास क्या है, इसका एम बाई फाइव, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब जब हमने क्वेश्चन किया मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, और अगर लेंथ कितनी है, एल बाई फाइव है, तो एम बाई एल इंटू एल बाई फाइव है, तो आंसर क्या आ गया, एम बाई फाइव। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, एम अपॉन फाइव, तो इसका कितना आएगा, फोर एम अपॉन फाइव, सही है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, एक मास एम बाई फाइव है, तो ये टी ए है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स टी सी है, दूसरा मास फोर एम बाई फाइव है, ये टी सी है और ये टी बी है, दोनों के दोनों लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक इक्वेशन बनेगी टी बी माइनस टी सी फोर एम बाई फाइव इंटू ए, और दूसरी इक्वेशन बनेगी टी सी माइनस टी ए इज एम बाई फाइव इंटू ए। इन्हें सॉल्व करके ए निकाल लेना, फिर टी सी निकाल लेना। ए तो एक सेकंड में निकल आएगा, ए तो बिना सॉल्व के निकलेगा ना, निकालना नहीं, क्यों, ऐसे कर लो, मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, मैं तो कह रहा हूं इसमें ओरली निकाल दो, एक्सेलरेशन क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स अपॉन टोटल मास, ये तो मैं वैसे निकाल दूं, तुम ऐड करोगे तुम भी तो यही निकालोगे, तो मैं तो ओरली निकाल रहा हूँ, बड़ी में से छोटी फोर्स अपॉन मास, तो तुम कोई भी एक इक्वेशन बना लो, उस एक इक्वेशन में ए पुट करके टी सी निकाल लो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ये ज़्यादा आसान है, ए तो ओरली निकाल लो और एक इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम में पुट कर दो, ए की वैल्यू आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, आइडिया क्लियर है यहाँ तक, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हमने ब्लॉक्स वाले, ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। कर सकते हो, डिवाइड कर दो इन्हें और भी छोड़ो, तुम एक काम करो दोनों इक्वेशन डिवाइड ही कर दो, ए से ए कैंसिल, एम से एम कैंसिल, लो टी सी निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होएगा, डिवाइड करने में होएगा ही नहीं, डिवाइड में नहीं होगा तो सीधा टी सी आएगा, और बोलो, बहुत तरीके हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो दूर से दिखना शुरू हो जाता है कि कैसे करना है।
और जो प्रैक्टिस नहीं करते साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, पहले ए निकाल लेना फिर ए को पुट करके टी सी निकाल लेना, ये सबसे लंबा तरीका है, मतलब बिगिनर्स के लिए है, बेबी स्टेप तो लेंगे ही, कुछ नहीं करेंगे क्वेश्चन तो उनका भी ठीक होगा, 2 मिनट लेट ठीक हो जाएगा, और क्या, समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी अलग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक ना यूनिफॉर्म रस्सी है जिसकी लेंथ एल है और मास एम है, और उन्हें एक स्मूथ वेज के ऊपर पड़ी हुई है। देखो स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन है नहीं, इस रस्सी ने फिसलना ही फिसलना है, पक्की बात है। अब वो ये कह रहा है कि बोथ एंड ऑफ द रोप आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये डॉटेड लाइन लेवल दोनों का सेम है, पर एक प्रॉब्लम है, ये अल्फा और ये बीटा है, अगर ये सिमिट्री में होता डायग्राम ऐसे ना होता, अल्फा बीटा बराबर होते तो मैं आधी रस्सी इधर आधी इधर कर देता हूँ, ये टिक जाती। पर जब मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा वो कहते हैं ये तो बताओ कि जब मैंने रस्सी को ऐसे रखा वो टिकाना ही नहीं चाहता, तभी उसने एंगल डिफरेंट दे दिया अल्फा बीटा। तो कह रहे एक्सेलरेशन बताओ इस रस्सी की क्या होगी, कहीं तो जाएगी, अनइक्वल एंगल है ना तो कहीं तो जाएगी, वो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का रस्सियों का सेम है लेफ्ट और राइट में। तो इसके लिए एक काम करेंगे, ये सपोज करो आपका डायग्राम है, ये रहा डायग्राम, सच दैट ये एक स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं, ये रही ये स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, सच दैट हॉरिजॉन्टल लेवल इनका सेम है। तो मान लो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एच, और तुम्हें ये अनइक्वल गिवन है एल्फा एंड बीटा, तो अगर ये बीटा तो ये एंगल भी बीटा, तो ये एंगल भी एल्फा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इमेजिन कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि लेफ्ट की तरफ ये स्ट्रिंग L1 है और राइट की तरफ ये L2 है, हमें गिवन में नहीं है कि बराबर बराबर है, हमें कहाँ गिवन है बराबर, और ये हो भी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि एल्फा बीटा दोनों डिफरेंट है, क्योंकि बराबर होते ना मैं मान भी लेता, बराबर नहीं है तो अनइक्वल लेंथ तो आएगी आएगी। तो मुझे इतना पता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन एल्फा किसके इक्वल है, एच अपॉन L1, तो एच किसके इक्वल है L1 इंटू साइन एल्फा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एच किसके इक्वल है L2 इंटू साइन बीटा, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, दोनों एच और एच तो उसने कहा बराबर है, तो इसका मतलब L1 साइन एल्फा इज L2 साइन बीटा, कोई डाउट इसमें? तो मैंने ज्योमेट्री से क्या कर दिया, L1 साइन एल्फा L2 साइन बीटा, यहां तक क्लियर है? आप बस मुझे एक चीज बता दो इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ये लेंथ L1 है तो इसका मास कितना है, बस M1 कितने ही भोले हो, कैसे मास M1 कैसे, अच्छा M1 की वैल्यू कितनी है, गिवन पूरी रस्सी की लेंथ L है और मास M है, यार यूनिटरी मेथड तो आता होगा, पूरी रस्सी का अगर लेंथ L है तो मास M है, 1 है तो M/L है, और L1 का कितना है, M/L इंटू, ऐसे ना करो यार, रस्सियों के मास निकाल निकाल के 2 लेक्चर हो गए, रस्सी का मास कैसे निकलता है समझ में आ रहा है? और भी शॉर्टकट सुन लो, कभी भी रस्सी का मास निकालना हो ये भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ लिखो, पूरी रस्सी के लिए मास एम है लेंथ एल है, रेशियो ले लो M/L, तुम्हें किसका मास निकालना है, L1 का, L1 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर, बुक्स यही तो शॉर्टकट मारती हैं, मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आंसर केजी में तो आएगा, एक स्टेप पे ओरली आ जाता है, सही है यहां तक? इस रस्सी को नीचे कौन गिरेगा अब ये बता दो, इस रस्सी को कौन नीचे गिरेगा, ये लो, इसको नीचे कौन सी फोर्स गिरेगी बोलो, Mg sin alpha, Mg sin, अब मास क्या है इसका, M/L इंटू L1 इसका मास इंटू जी इंटू साइन ऑफ एल्फा, Mg sin alpha, और ऐसे इसको नीचे कौन लेके आएगा, M/L इंटू L2 इसका मास इंटू जी इंटू साइन ऑफ बीटा, Mg sin alpha, Mg sin beta, मास निकालना आ रहा है इस रस्सी का, M/L इंटू L1, इस रस्सी का M/L इंटू L2। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी जो निकालनी है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करके टोटल मास से डिवाइड, बड़ी फोर्स मान लेते हैं ये बड़ी फोर्स है, मान लो M/L इंटू L2 इंटू जी
इंटू साइन बीटा में से एम बाई एल इंटू एल वन इंटू जी इंटू साइन एल्फा को माइनस कर दें डिवाइडेड बाई टोटल मास, माइनस कर दिया। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव्ड है एल टू साइन बीटा इज एल वन साइन एल्फा, जी दोनों में बराबर है, एल वन साइन बीट एल टू साइन बीटा एल वन साइन एल्फा के बराबर है, एम बाई एल से एम बाई एल बराबर है, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, रस्सी मूव ही नहीं करेगी, आंसर जीरो। तो अब शॉर्टकट, शॉर्टकट ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट ये है कि जिन रस्सियों की हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है उन्होंने नीचे गिरना ही नहीं है, लगा लो अल्फा बीटा जो लगाने हैं, शॉर्टकट सॉल्व नहीं करना।